So in this lecture, we'll study about one of the important topics, that is Hardy-Weinberg equilibrium. So जो numerical आता है basically इसके ऊपर आपका Hardy-Weinberg equilibrium. Hardy-Weinberg equilibrium. तो basically Hardy-Weinberg equilibrium में basically आपका क्या होता है, जैसे इसमें हमें एलील की फ्रीक्वेंसी दी होती है, जैसे एक एलील है कैपिटल ए तो उसकी फ्रीक्वेंसी है पी और स्मॉल ए की क्या आपकी क्यू, ठीक है. सो ये जो प्रिंसिपल है ये बेसिकली हमें क्या बताता है, दिस प्रिंसिपल सेज दैट, दिस प्रिंसिपल सेज दैट allele frequencies in a population are stable, in a population are stable and is constant from generation to generation, constant from generation to generation. To generation. Generation to generation. कि जो allele frequencies in a population है वो stable है और वो constant रहती है generation to generation, ठीक है. So the gene pool रिमेन्स ए कॉन्स्टेंट, ठीक है. तो जैसे यहाँ पर हमने मैंने आपको बताया कि कैपिटल ए एक एलील उसकी फ्रिक्वेंसी पी है और स्मॉल ए की क्या है क्यू, सो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन, ठीक है. तो इसमें अगर हम बेसिकली स्क्वेयर करें दोनों साइड पे पी प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू वन का स्क्वेयर, ठीक है. सो दैट इज पी स्क्वेयर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, ठीक है. तो जो पी स्क्वेयर है वो हमें बताता है कि कैपिटल ए वाले कितने हैं, टू पी क्यू बताता है कैपिटल ए स्मॉल ए वाले, और क्यू स्क्वेयर बताता है आपको स्मॉल ए, ठीक है. तो जैसे कोई भी आपको फ्रीक्वेंसी जैसे गिवन है, मान लो ऑब्वियसली अगर आपको गिवन है पी अगर 0.6 है तो ऑटोमेटिकली पी प्लस क्यू क्या होता है आपका वन, सो पी 0.6 है तो क्यू कितना आएगा आपका 1 माइनस 0.6 दैट इज 0.4, ठीक है. तो जो कैपिटल ए है तो अगर हमें उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है सो दैट इज पी स्क्वेयर, सो इट हैज टू बी 0.6 का स्क्वेयर 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 एंड 0.4 का स्क्वेयर, ठीक है. सो दिस इज 0.36, दिस इज 0.48, दिस इज 0.16. और आप तीनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा आपके पास 1, ठीक है. तो इस तरह से जो एलील की फ्रीक्वेंसीज हैं, द प्रिंसिपल सेज दैट एलीलिक फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल और ये जनरेशन टू जनरेशन चेंज नहीं होती हैं, ठीक है. तो बेसिकली इनके कुछ अजम्पशंस हैं, जैसा कि जो हम Hardy-Weinberg इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन कर रहे हैं, सो देर आर फ्यू अजम्पशंस कि पॉपुलेशन कब इक्विलिब्रियम में रहती है, ठीक है. तो अजम्पशंस क्या हैं, तो पहली अजम्पशन है कि पॉपुलेशन साइज इज लार्ज, ठीक है ना. जब भी हम कह रहे हैं कि आपका जो एलील की फ्रीक्वेंसीज का जो सम है वो कांस्टेंट रहता है और जनरेशन टू जनरेशन चेंज नहीं करता, तो उसमें पहला पॉइंट ये है कि आपका पॉपुलेशन साइज लार्ज होना चाहिए, पॉपुलेशन साइज इज लार्ज. सेकेंड इज रैंडम मीटिंग, सेकेंड इज रैंडम मीटिंग एंड थर्ड इज नेग्लिजिबल इफेक्ट्स ऑफ म्यूटेशन माइग्रेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, सो म्यूटेशन
माइग्रेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो ये एजम्पशंस हैं, कि इन एजम्पशंस के बेस पे जो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, जैसे अगर पॉपुलेशन का साइज छोटा है तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन में आता है कि अगर लिखा हुआ है कि लैक ऑफ रैंडम मीटिंग, तो अगर रैंडम मीटिंग नहीं है तो इसका मतलब बेसिकली आपकी जो पॉपुलेशन है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर मैंने लिखा कि लैक ऑफ रैंडम मीटिंग, इफ आई एम राइटिंग लैक ऑफ रैंडम मीटिंग, देन ऑब्वियसली पॉपुलेशन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। इफ आई एम राइटिंग लैक ऑफ म्यूटेशन, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली अगर म्यूटेशन नहीं है तो पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि म्यूटेशन माइग्रेशन या नेचुरल सिलेक्शन होता है तो बेसिकली क्या होता है आपकी पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में बेसिकली नहीं रहती। अगर लिखा हुआ लैक ऑफ म्यूटेशन देन यूर पॉपुलेशन विल बी इन इक्विलिब्रियम, पॉपुलेशन विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ देर इज लैक ऑफ म्यूटेशन, पॉपुलेशन विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली योर पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस टू पी क्यू इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब जैसे यहां पर तो हमें जैसे क्या गिवन था, ये आपका फ्रीक्वेंसी गिवन थी, तो कई केसेस में आपको नंबर गिवन होता है और आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपको कह दिया कि कैपिटल ए वाले 360 हैं, स्मॉल ए वाले 160 हैं और कैपिटल ए स्मॉल ए वाले आपके 480 हैं। ठीक है, तो जैसे हमें पी और क्यू निकालना है तो पी का फॉर्मूला होता है ट्वाइस इंटू नंबर ऑफ कैपिटल ए प्लस नंबर ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए बाय ट्वाइस इंटू टोटल नंबर। ठीक है, तो जैसे यहां पर 2 इंटू 360 प्लस 480 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1000। ठीक है, तो जब आप इसको करोगे तो 720 प्लस 480 बाय 2000, सो दैट इज 1200 बाय 2000, इट कम्स आउट टू बी 0.6। कितना आ गया है? 0.6। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है पी कैलकुलेट करने का। ठीक है, ऑब्वियसली पी आ गया तो क्यू तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, क्यू कितना आएगा 0.4, बट लेकिन अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं सो क्यू का फॉर्मूला होता है ट्वाइस इंटू नंबर ऑफ स्मॉल ए प्लस नंबर ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए बाय ट्वाइस इंटू टोटल। ठीक है, तो यहां पर 2 इंटू 160 प्लस 480 बाय 2 इंटू 1000। ठीक है, सो दैट इज 320 प्लस 480 बाय 2000 विच इज 800 बाय 2000 कम्स आउट टू बी 0.4। कितना आएगा? 0.4। ठीक है, तो ये assumptions थी किसकी, assumptions पढ़ी और हमने कैसे हम P और Q को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो वो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव दैट इज द फैक्टर्स विच अफेक्ट हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो फाइव फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसमें पहला फैक्टर है आपका जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट म्यूटेशन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन
एंड नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, दीज आर द फाइव फैक्टर्स विच आर नोन टू अफेक्ट हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो बेसिकली इसमें अब क्या होता है कि जैसे अगर हम माइग्रेशन की बात करें, व्हेन माइग्रेशन ऑफ ए सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, व्हेन माइग्रेशन ऑफ ए सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस अकर्स, टू अनदर प्लेस अकर्स, अकर्स कोमा जीन फ्रीक्वेंसीज चेंज इन द चेंज इन द ओरिजिनल एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन, ओरिजिनल एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन न्यू पॉपुलेशन सो बेसिकली न्यू जीन्स और एलील्स, न्यू जीन्स स्लैश एलील्स are added to the new population and these are lost from the old population. So new genes are added to the new population and these are lost from the old population. So there would be a gene flow. There would be a gene flow if this gene migration happens multiple times, if the same change occurs by chance, It is called genetic drift. ठीक है, जो genetic drift होता है उसे हम seawall light effect भी बोलते हैं। ठीक है, genetic drift को और हम क्या बोलते हैं, seawall light effect। और एक खास बात ये होती है कि जो genetic drift होती है वो सिर्फ small population size पे operate होती है, it operates on smaller population size, on smaller population size. तो इसलिए अगर आप population का size बड़ा लेके चल रहे हो तो obviously आपका जो genetic drift का effect negligible हो जाएगा, it operates on smaller population size. ठीक है, so obviously when migration of a section of population to another place occurs, तो gene frequency obviously अगर एक सेक्शन है पॉपुलेशन का वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है तो जहां से वो गया है वहां पर भी आपकी फ्रीक्वेंसी बदलेगी, और जहां पर वो गया है वहां पर भी बदलेगी, और जहां से वो गया है वहां पर भी बदलेगी. न्यू जीन्स आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन. देयर वुड बी अ जीन फ्लो इफ दिस जीन माइग्रेशन हैपेंस मल्टीपल टाइम्स, इफ द सेम चेंज अकर्स बाय चांस, इट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट. ठीक है, सो sometimes the change in allele frequency
इज सो डिफरेंट, इज सो डिफरेंट is so different in the new sample of population that they become a different species different species the original drifted population becomes founders and the effect is called founder effect क्योंकि जिस जगह पर वो गए हैं वहां के लिए वो क्या है फाउंडर है तो इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं आपका फाउंडर इफेक्ट ठीक है तो ये जो फाइव फैक्टर्स हैं जो आपको याद रखने हैं जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो अगर इनमें से किसी भी चीज है जैसे लैक ऑफ जीन माइग्रेशन lack of genetic drift, lack of mutation, lack of genetic recombination, lack of natural selection. अगर lack word लिखा हुआ है तो population equilibrium में है अगर simply लिखा हुआ है कि gene migration है genetic drift है mutation है recombination है natural selection है तो इसका मतलब population आपकी equilibrium में नहीं है ठीक है और genetic drift को जैसे मैंने आपको बताया इसको और हम क्या बोलते हैं आपका Seawall right effect और genetic drift हमेशा स्मॉलर पॉपुलेशन साइज पे क्या होती है ऑपरेट होती है ठीक है सो जैसे हम कुछ आपके क्वेश्चंस देखते हैं ठीक है जैसे क्वेश्चन करते हैं एक दो पहले ठीक है ना यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए जैसे एलील की फ्रीक्वेंसी जैसे कैपिटल है तो उसकी फ्रीक्वेंसी है पी दैट इज द एलील फ्रीक्वेंसी ठीक है लेकिन अगर वो ऑब्वियसली अगर वो कैपिटल ए है तो वो किसकी बता रहा आपको पी स्क्वेयर ठीक है जैसे मान लो कोई डिजीज है कोई डिजीज है मान लो वो रिसेसिव डिजीज है ठीक है तो डिजीज उसी को होगी जिसमें दोनों रिसेसिव एलील होंगी तो ऑब्वियसली डिजीज उन्हीं को होगी जो बेसिकली आपका क्यू स्क्वायर मतलब आपको क्यू स्क्वायर निकालना है ठीक है क्योंकि डिजीज को करने वाली जो एलील है उसकी फ्रीक्वेंसी क्यू है लेकिन डिजीज उसको होगी जो जिसमें दोनों स्मॉलेस्ट स्मॉल होंगे दैट इज योर क्यू स्क्वायर ठीक है सो जैसे क्वेश्चन बेसिकली हम करते हैं In a population at Hardy-Weinberg equilibrium, comma, the frequency of recessive allele that causes a genetic disorder is 0.3 what percentage of a population is expected to suffer from this condition option A 9% ऑप्शन बी 0.3% ऑप्शन सी 0.09% एंड ऑप्शन डी 30% ठीक है सेकंड क्वेश्चन है
इन ए पॉपुलेशन ऑफ यूकैरियोटिक स्पीशीज, इन ए पॉपुलेशन ऑफ यूकैरियोटिक स्पीशीज द नंबर ऑफ हेटरोजाइगोट्स, द नंबर ऑफ हेटरोजाइगोट्स is six times the number of homozygous recessive if the population follows Hardy-Weinberg equilibrium, comma, the frequency of dominant allele is, fill in the blank. करिए दोनों क्वेश्चन, ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील दैट कॉजेज ए जेनेटिक डिसऑर्डर इज 0.3, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू सफर फ्रॉम दिस कंडीशन. ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको क्यू गिवन है, तो क्यू कितना गिवन है, 0.3. तो डिसऑर्डर किसको होगा, जो होगा क्यू स्क्वेयर, तो दैट इज 0.9. ठीक है, तो ऑब्वियसली परसेंटेज निकाल लिया तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100. ठीक है, तो ये 0.09 आएगा, सो 0.09 इनटू 100 वुड बी 9%. सो राइट आंसर वुड बी 9%. दूसरे में आपको क्या दे रखा है कि इन अ पॉपुलेशन ऑफ यूकैरियोटिक स्पीशीज द नंबर ऑफ हेटरोजाइगोट्स इज 6 टाइम्स द नंबर ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव. ठीक है, सो मतलब कि जो द नंबर ऑफ हेटरोजाइगोट्स है दैट इज 2PQ इज इक्वल टू 6 टाइम्स क्यू स्क्वेयर. ठीक है, तो यहां से ए क्यू कैंसिल हो गया, तो 2P इज इक्वल टू 6Q, तो P किसके इक्वल आ गया, 3Q के. ठीक है, सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, सो एज वी नो P प्लस Q इज इक्वल टू 1, सो 3Q प्लस Q इज इक्वल टू 1, तो 4Q किसके इक्वल आ गया, 1, तो क्यू कितना आ गया आपका 0.25, क्यू कितना आ गया 0.25, तो यहां से पी आपका कितना आएगा, इट कम्स आउट टू बी 0.75, सो द राइट आंसर इज 0.75. ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें आपको जैसे गेट आईटी जैम के अंदर फिल इन द ब्लैंक टाइप आता है. ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन हम और ट्राई करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट इज in a randomly breeding population, comma, an autosomal recessive condition affects one newborn in 10,000, the expected frequency of carriers will be, the expected frequency of carriers will be, carriers will be. ठीक है, सो ऑप्शन 1 in 25, ऑप्शन 2 1 in 50, ऑप्शन 3 1 in 100, एंड ऑप्शन 4 1 in 1000.
So this is one of the question we have. Next question we have. In a population of red and white flowers. In a population of red and white flowers, comma, the frequency of dominant color of flowers, the frequency of dominant color, which is basically red, of flowers is 64%. Is 64%. Calculate the frequency of allele responsible for red color. Responsible for red color. Red color. Option 1 0.8, option 2 0.6, option 3 0.4, and option 4 0.2. Next question we have. In a random mating population of 20,000 individuals. Population of 20,000 individuals. Eighteen hundred are albinos. Then calculate the frequency of individuals with heterozygous normal condition. Heterozygous normal condition. Option 1 30%, option 2 70%, option 3 42%, and option 4 58%. तो करिए जो दो तीन क्वेश्चंस हैं, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इन्हें रैंडमली ब्रीडिंग पॉपुलेशन एंड ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन अफेक्ट्स वन न्यू बॉर्न इन 10,000, ठीक है, सो वन इन 10,000, इसका मतलब ये आपको क्या गिवन है, q square इज वन इन 10,000, तो q कितना होगा आपका, वन इन 100, which comes out to be 0.01. क्यों कितना आ गया आपका, 0.01, ठीक है, सो ऑब्वियसली p प्लस q क्या होता है आपका 1, अगर q आपका 0.01 है तो ऑब्वियसली p कितना होगा आपका, p will be equal to 1 minus 0.01, तो p कितना आपके पास, P आपने निकालना है, Q है 0.01, तो यहाँ से P कितना गया, 0.99, ठीक है, हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर्स, तो कैरियर्स की फ्रीक्वेंसी होती है 2PQ, सो 2 इंटू 0.99 इंटू 0.01, ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 0.99 इंटू 0.01, तो ये आता है 0.0198, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.02 और 2/100, विच कम्स आउट टू बी 1 in 50, कितना आ गया आपका, 1 in 50, सो द राइट आंसर इज 1 in 50, ठीक है, सो द राइट आंसर इज 1 in 50. सेकेंड क्वेश्चन, इन ए पॉपुलेशन ऑफ रेड एंड व्हाइट फ्लावर्स
द फ्रिक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट कलर ऑफ फ्लावर्स इज 64%, ठीक है, इसका मतलब ये आपको दे रखा है पी स्क्वेयर, दैट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट कलर, मतलब डोमिनेंट कलर का मतलब है कि आपको एक तरह से, क्योंकि पी स्क्वेयर वाला भी वही होगा और 2PQ, और आपका जो 2PQ है वो भी क्या होगा आपका, क्योंकि पी स्क्वेयर और जो हेटरोजाइगस होंगे वो दोनों क्या दिखाएंगे आपका रेड कलर, ठीक है, तो बाकी मतलब 36% कौन सा दिखाएंगे व्हाइट कलर, ठीक है, इसका मतलब जो क्यू स्क्वेयर है वो कितना आपका 0.36, यानी क्यू कितना है 0.6, तो ऑब्वियसली द फ्रिक्वेंसी ऑफ एलील रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर, सो पी प्लस क्यू कितना होता है 1, सो पी कितना आ जाए आपके पास 1 - 0.6 विच कम्स आउट टू बी 0.4, सो द राइट आंसर इज 0.4। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन्हें रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन ऑफ 20,000 इंडिविजुअल्स 1800 आर एल्बिनोज, तो हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल निकालनी है जो हेटरोजाइगस है, ठीक है, सो ऑब्वियसली ये हमें क्यू स्क्वेयर दे रखा है क्योंकि एल्बिनो जो है वो रिसेसिव ट्रेट है, क्यू स्क्वेयर हमें दे रखा है 1800 by 20,000, ठीक है, विच कम्स आउट टू बी 0.09, ठीक है, सो क्यू स्क्वेयर हमें ये दे रखा है, तो क्यू कितना हो गया 0.3, हमें क्या कैलकुलेट करना है 2PQ, तो 2 बेसिकली 0.7 × 0.3 इट कम्स आउट टू बी 0.42, और आंसर कितना गया आपका 42%, सो द राइट आंसर इज 42%, ठीक है, तो यहां पर आपको बस ये ध्यान देना होता है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, कि जैसे पॉपुलेशन में जैसे हम तीन टाइप के नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं, एक होता है स्टेबलाइजिंग, एक होता है डायरेक्शन और एक होता है डिसरप्टिव, स्टेबलाइजिंग डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव, दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव, ठीक है, जैसे मान लो ये आपके पास एक पीक आती है, मान लो कोई भी हाइट आपको देख के, मान लो हाइट ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हाइट ऑफ इंडिविजुअल्स है, तो मान लो हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है, ठीक है, तो उनकी जो हाइट है, ठीक है, मान लो वो है आपकी 5.7 feet, ठीक है, तो ऑब्वियसली 5.7 से कम वाले भी हैं, 5.7 से ज्यादा वाले भी हैं, तो ये हमने एक 5.7 feet जो है वो मैक्सिमम, ये जो आपका मीन है, जो बोलते हैं ना कि मीन क्या होता है, जो एवरेज, तो वो है 5.7 feet, ठीक है, अगर ये पीक नैरो हो रही है, जैसे अभी जैसे ये पीक है, ये और नैरो हो रही है, कि मतलब 5.7 feet वाले इंडिविजुअल्स और इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब दैट इज बेसिकली स्टेबलाइजिंग, ये आपका कैसा होगा स्टेबलाइजिंग, ठीक है, ऐसे अगर ये जो पीक है अगर ये एक तरफ शिफ्ट हो जाए, जो आपकी पीक है अगर वो मान लो एक तरफ शिफ्ट हो जाए, जैसे मान लो ये एक तरफ ऐसे शिफ्ट होगी, ठीक है, ये पॉपुलेशन के अंदर मान लो 5.9 feet वाले ज्यादा हो गए, ठीक है, तो ये डायरेक्शनल हो गया, वो किसी भी तरफ हो सकता है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, और तीसरा है डिसरप्टिव, डिसरप्टिव का क्या मतलब है कि बेसिकली इसमें ग्राफ ऐसा बनेगा कि 5.7 feet से कम वाले भी ज्यादा है और 5.7 feet से ज्यादा वाले भी ज्यादा है, ठीक है, तो मतलब ये डिसरप्टिव होता है, ठीक है, सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव, ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे ना ये हमें क्वेश्चन जो गिवन होता है वो मीन प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन की फॉर्म में होता है, मीन प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, मान लो मैंने आपको कह दिया कि
जो मीन वैल्यू है वो है मान लो 2 ± 0.05, ठीक है। ये मेरे पास एक वैल्यू है, मीन हमें दे रखा और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखी है, ठीक है। अब मान लो मैंने तीन चीजें लिखी, एक तो मैंने क्या लिखा 2 ± 0.02, ठीक है। एक मान लो मैंने क्या लिखा कि 2.2 ± 0.05, ठीक है। और एक मान लो मैंने लिख दिया 1.8 and 2.2, ठीक है। एक तरह से ये बाई मॉडल हो जाता है। मोड बेसिकली वो वैल्यू होते हैं जो जो बेसिकली मैक्सिमम टाइम से रिपीट होती है, ठीक है ना। एक हम मीन बोलते हैं, मीडियन एक मोड। जैसे अगर कोई ऐसा ग्राफ है तो जैसे मान लो ये वैल्यू बीच वाली 2 है, तो 1.8 एक तरफ है, 2.2 एक तरफ है, तो ये क्या है, बाई मॉडल, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर देखो तो मीन वैल्यू कितनी थी 2, इधर भी 2 है। डेविएशन यहाँ कितनी थी 0.05, यहाँ डेविएशन कम हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है स्टेबलाइजिंग। अगर मीन वैल्यू सेम है और आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो रही है तो वो स्टेबलाइजिंग है, ठीक है। आपकी मीन वैल्यू अगर चेंज हो रही है, जैसे 2 से 2.2 होगी, ठीक है, तो ये आपका कैसा होगा, डायरेक्शनल। ये कैसा होगा आपका, डायरेक्शनल। और अगर दो वैल्यूज आ जाए, जैसे एक 1.8 और एक 2.2, तो दैट इज बेसिकली योर डिसरप्टिव, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव, ठीक है। तो कई बार इस फॉर्म में आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि मीन वैल्यू आपको गिवन होती है और साथ में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होती है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो एक बार मैं आपको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। सो जब भी जो एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कॉन्स्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, दैट इज पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर जैसे पी 0.6 है, क्यू 0.4 है, ठीक है। तो पी स्क्वेयर 2PQ हम और क्यू स्क्वेयर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एजम्पशंस क्या है कि पॉपुलेशन का साइज लार्ज होना चाहिए, मीटिंग रैंडम होनी चाहिए और नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन, माइग्रेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अगर आपको कई बार क्वेश्चन में नंबर गिवन है तो आप इन फॉर्मूला से पी और क्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। फैक्टर्स की बात हमने करी, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, ऑल दिस फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। सो इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कुछ क्वेश्चन हमने करे कि अलग अलग में किसी में उन्होंने क्यू पूछते हैं, कि किसी में क्यू स्क्वेयर पूछते हैं, किसी में पी पूछते हैं, किसी में आपसे हेटरोजाइगस कैरियर्स का मतलब है 2PQ पूछ रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने बात करी नेचुरल सिलेक्शन की। नेचुरल सिलेक्शन मतलब पॉपुलेशन के ऊपर 3 टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आर ऑपरेटिंग। स्टेबलाइजिंग कि जो मीन वैल्यू है, जो जितने पहले हैं मतलब उससे भी ज्यादा हो रहे हैं, सो दैट इज स्टेबलाइजिंग। अगर पीक एक तरफ शिफ्ट हो रही है तो डायरेक्शनल, और अगर दो पीक आ रही है तो इट विल बी डिसरप्टिव, ठीक है। सो दे कैन आस्क दिस थिंग इन द फॉर्म ऑफ मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिविजन। इफ द मीन वैल्यू इज सेम, स्टैंडर्ड डिविजन आपकी कम हो रही है तो वो स्टेबलाइजिंग है, मीन वैल्यू ही चेंज हो रही है डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल है, और अगर आपके पास दो वैल्यूज आ रही है दैट इज बाई मॉडल, सो दैट इज बेसिकली आर डिसरप्टिव।